हेलो फ्रेंड्स, तो ये कुछ नया अपडेट आया है एमबीए सीट के वेबसाइट पे। जैसे कि कल आपको पता चल गया कि कल आपका रैंकिंग्स रिलीज हो चुका है, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपका रैंकिंग था वो रिलीज हो चुका है। अभी उसमें कुछ एक दो नोटिसेस नहीं दिख रही है मुझे, विच आई फील कि आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एंड महाराष्ट्र, ये मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है, ये हर जगह पे सर्कुलेट हो रहा है, हर ग्रुप पे सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये जा रही है बच्चों को कि इसमें से पढ़ने का क्या, इसको ये इंफॉर्मेशन समझने की कैसे। सो अगर आप लेजेंड्स देखोगे, उन्होंने फर्स्ट पेज पे ही आपके कन्वीनियंस के लिए लेजेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो आरएमसी मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन, जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, मुंबई टॉप कोरिलेशन, मुंबई टॉप कोरिलेशन, पुणे टॉप कोरिलेशन, नागपुर एंड अदर, तो उसमें भी कुछ क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी, ये सब लिखा था। ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको आपका अलग कैटेगरी नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरीज ही चलता। तो ये सब क्या माइनॉरिटी कॉलेजेस इंडिया में या महाराष्ट्र में है बेसिकली, रिलीजियस माइनॉरिटी, देन रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, राइट। सो RLJG, जैन गुजराती, देन मुस्लिम उर्दू, जोरोस्ट्रियन एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये सब माइनॉरिटी के कॉलेजेस, उन्होंने उन्होंने उनका लिस्ट दिया हुआ है एंड यहाँ पे लेजेंड्स दिए। सो ऑल इंडिया मेरिट नंबर, SLGMN, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट नंबर, स्टेट लेवल PWD जनरल मेरिट नंबर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम एंड वाई और एन। ओके, तो इसको पढ़ने का कैसे, चलो समझते हैं थोड़ा, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ अलग सा है तो आपको जरूर, आपके जरूर ध्यान में ला के दूंगा, ठीक है। हर एक बंदे का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने रिलीज किया हुआ है। जैसे दिस इज अ स्टूडेंट समीक्षा जोशी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, सो जनरल कैटेगरी 100%। एक ही और एक बंदी है शाम्बवी, सो देर आर, विच इज वेरी गुड थिंग, देर आर टू फीमेल कैंडिडेट्स हु आर एट 100%, गुड, रियली गुड। देन 99.999123456 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, सो 7 डेसिमल डिजिट्स तक उन्होंने परसेंटाइल निकाला हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्रैश क्लैशिंग नहीं होना चाहिए। देन HSC रैंकिंग जो दिया हुआ है वो आपका शायद 10th का परसेंटेज, क्योंकि 100% और 100% है दोनों को था, बट यहाँ पे देखो ये बंदी को ऊपर लिया हुआ है बिकॉज उसका 12th का परसेंटेज ज्यादा है, राइट। मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। तो प्रायोरिटी इन्होंने ऐसे दिए कि 12th का परसेंटेज, देन 10th का परसेंटेज, 10th का फिर साइंस का मार्क्स कंसिडर किया हुआ है, उसी सिक्वेंस में दिया हुआ है। अगर 10th का भी सेम है, 12th का भी सेम है आपका, तो फिर साइंस का कंसिडर करेंगे, 10th का वो भी सेम है तो 10th का मैथमेटिक्स का कंसिडर करेंगे, वो भी सेम है तो 10th का इंग्लिश का कंसिडर करेंगे एंड फाइनल क्वालिफाई एग्जाम मार्क्स परसेंटेज। सो शी हैड स्कोर 70.458% क्वालिफाई एग्जाम मार्क्स, ओके, ग्रेजुएशन मार्क्स, गुड। ये आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो उसमें आपका परसेंटेज कितना है, मेडिकल से हो तो उसमें कितना है, नॉन इंजीनियरिंग से हो तो उसमें कितना है, ठीक है। देन एग्जाम ने, तो एग्जाम कौन से दिए थे एंड कैंडिडेट टाइप, सो शी इज महाराष्ट्र कैंडिडेट, स्टेट कैंडिडेट टाइप ए, सो शी इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू जेबीएमएस, फर्स्ट फ्यू कैंडिडेट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू जेबीएमएस ओपन कैटेगरी, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट सीमैट 100%, शंभवी इज फ्रॉम सीमैट, ठीक है। तो आप अपना अपना देख, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ओके, पुणे यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। कहाँ तक दे के रखी है भाई टोटल, ये क्या लेजेंड्स है, एक सेकेंड ना, ये ऑल इंडिया रैंक है आपका, तो टोटल 45,000 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, 45,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कहाँ पे, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। फिर दूसरा है क्या, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, ठीक है, इसमें भी लेजेंड्स वही यूज किए उन्होंने, और क्या इसमें भी वही लोग हैं, हाँ देखो अभी इसमें सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स है, तो एक कैंडिडेट के टाइप में आपको ये ऑल इंडिया कैटेगरी नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अब, यहाँ ये जो शांभवी करके बंदी है, हु इज द टॉपर इन सीमैट एग्जाम 100% अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, तो ये यहाँ पे ऑल इंडिया की शीट में दिखेगी आपको, यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहाँ पे प्रसन्ना बख्शी, दिस इज प्रसन्ना बख्शी, डायरेक्ट आया है महाराष्ट्र कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के दिए हुए,
ये उन्होंने कुछ 42,000 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके काम का कुछ है वो मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यार ये 4-5 URL बना के रखते हैं, अभी देखो cet.mahasut.org/cet-landing-pe-2022 और /cap-landing-pe-2022, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जब आप जाओगे ये वेबसाइट ये लिंक पे MBA MHMBA CET 2022, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पे भी कुछ थोड़े दो चार इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रहे हैं मुझे, मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग, मेथड अप्लाइड इज इक्विपर्सेंटाइल मेथड, द परसेंटेज स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइम्स। ठीक है, तो बहुत ही रेयर चांसेस हो गए कि कोई दो बंदों का 7th डेसिमल तक परसेंटेज सेम आता हो, बहुत रेयर है, क्योंकि उसमें आपका 10th का परसेंटेज सेम होना चाहिए, 12th का परसेंटेज सेम होना चाहिए। नीचे नीचे भी जाओगे तो भी वो चांसेस कम आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, राइट? यहाँ पे भी देखो अभी ये परसेंटेज कुछ लोगों का दिया हुआ है, तो बहुत बहुत रेयर चांसेस सेम का, देखो अभी 12th का 10th का बहुत डिफरेंस होता है यार, नहीं होता है इतना सेम। ठीक है, देन नोटिस फॉर एडिटिंग फैसिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, 27 जून का है, ठीक है, ये कुछ अपने काम का नहीं है, ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। रिवाइज शेड्यूल पर आओ, तो ये दिस इज द ऑल अबाउट द यस्टरडेज लिस्ट रिलीज्ड। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, फिर से अगर कोई समझ नहीं आ रहा है कोई पॉइंट की कैसे पढ़ना है, कैसे हेडर पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, या फिर मेरा रैंक कहाँ पे आएगा, कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ऐसे कोई डाउट्स होगी तो यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी आर हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।